किस किस तरह के लोग आ रहे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं। कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है, बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। सर आप लोग जो बैठे हुए हैं ना पत्रकार मित्रों, उनको भी बता दे रहे हैं हम जान के कि जरा सोच लीजिए, लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी, 8,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके, तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर का, तो सबको पता है सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग जो लड़का है या लड़की है दूसरे राज्यों में कितनी उसको बहाली मिलती है। हम तो कई जगह घूमते हैं ना जी, MP थे तब भी, बाद में भी, अब बिहार का लोग भी बाहर रहता है। और जब यहां भी हम लोगों ने सबको किया है तो कुछ लोग आजकल, पहले नहीं आलोचना करता था, तो आजकल जिसकी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं वही आलोचना करता है, कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है, देश कहीं बाहर है, पूरा देश एक है और सब जगह के लोगों को। और यहां पर जो हम लोग करते हैं, हमारे लोग बाहर भी जाते हैं, और यहां पर कितना हुआ, 88% शिक्षक बिहार के नियुक्त हुए और 12% लोग अन्य राज्यों के। तो सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर, तो इसीलिए अन्य राज्य के लोगों को अनुमति देने से बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा, तो ये सब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, इसलिए हम आपको तो बता ही ना रहे हैं कि बाहर भी नौकरी कर रहा है, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई, आज अभी आप लोग दिखा रहे थे, अब बाहर के जो लोग आया है उसको भी कितनी खुशी हो रही थी कि आए, और अपने लोग भी जो बाहर में थे और वो लोग आकर के यहां पर दिए बहाली किए और सबको मैंने यहां इसमें नौकरी दिए और बहाली हुई उनकी। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और आप बताते हैं आपको कि बिहार के शिक्षक की नौकरी पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं कौन कौन राज्य का लोग है, एक है केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, आसाम का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से भी लोग आए। तो ये खराब बात है, ये सब तो खुशी की बात है ना। आप समझिए कि केरल, कर्नाटक, ये सब भी लोग यहां पर आके अब भाग लिया और वो सब आया है कुछ संख्या में, तो खुशी की बात न है कि यहां के स्कूल में जो पढ़ावेगा, खुशी की बात है। और अपने लोग तो पढ़ा ही रहे, सब पढ़ाएगा, सबको जो बहाली किया गया था, खुशी की बात है। और दूसरे देशों जैसे ओमान एवं कतर में भी आकर बिहार के लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। अब दूसरे जगह भी रहता था तो अपना परीक्षा में शामिल हुआ, और कितने लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसलिए कई लोग सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे एवं बैंकों था बड़ी कंपनियों को छोड़कर शिक्षक बने। अब सोच लीजिए दूसरे काम में लगे हुए थे, आप में से बहुत लोग हैं जो पहले सेना में थे, अर्धसैनिक बल में थे, रेलवे में थे, बैंक में थे, अब बड़ी कंपनियों को में थे, आज छोड़ करके बिहार में शिक्षक बने, तो कितना खुशी की बात है जी। देखिए चीज बात, हम सर आप लोग जो बैठे हुए हैं ना पत्रकार मित्रों, उनको भी बता दे रहे हैं हम जान के कि जरा सोच लीजिए किस किस तरह के लोग आ रहे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं। आप सबको बधाई है कि सबको चीज को ध्यान में रखिए।
तो हम खाली आप ही लोगों के लिए सब चीज बोल देते हैं, ताकि इस चीज को जानते रहिए।